चैनल वीके लर्निंग TC41। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करते हैं और हम किस तरीके से अपनी फाइल में या HTML फाइल में हम क्या करते हैं कमेंट बनाते हैं और उस तरीके उसमें कलर फिल करना या उसके साइज या फॉन्ट वगैरह चेंज करना, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा उसकी फॉर्मेटिंग हम इसमें देखने वाले हैं। और सबसे बेटर बात इसमें ये है कि आज हम एक सबसे बेटर एक टैग जिसका नाम मार्क्यू है, मार्क्यू टैग को यूज करना और सीखेंगे, जिसका बिहेवियर बिहेवियर देना भी हम सीखेंगे। तो वही स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना बीएस कोड यूज करते हैं, बीएस कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड में यहाँ से मेरा ओपन है, मैं यहाँ से VS कोड को अपने को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं अपनी इस फाइल को सेव करूंगा। ये अनटाइटल फाइल है, मैं अभी सेव नहीं हुई है, मैं अपनी फाइल को यहाँ से सेव करता हूँ। आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करूंगा। मेरी फाइल का नाम link.html। यहाँ देखिए मेरी फाइल सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद शिफ्ट वन प्रेस करूंगा और उसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ मुझे मेरा ये सारे सब कुछ मिल चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फाइल का टाइटल चेंज कर दूंगा। फाइल का टाइटल चेंज करने के लिए मैं आज आपको लिंक बता रहा हूँ, तो मैं अपने फाइल का टाइटल आज मैं यहाँ पर लिंक रखूंगा। लिंक एंड कमेंट। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कमेंट के बारे में। हम यहाँ HTML के अंदर अगर कभी भी आपको कोई पैराग्राफ में या किसी भी चीज की कमेंट बनानी हो तो आपको क्या करना है, सीधे जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये मेरे पास यहाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मुझे ये सब कमेंट बनाना है तो कमेंट बनाने के लिए आपको ये सेलेक्ट करना होगा। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल और स्लैश प्रेस करना है। जी हाँ, बस आपको कंट्रोल और स्लैश प्रेस करना है। कंट्रोल स्लैश प्रेस करने के बाद में यहाँ पे ये सारा का सारा एक कमेंट लाइन बन जाएगी। जैसा कि आपको बता दूं कमेंट क्या चीज होती है, कमेंट एक ऐसी लाइन होती है जो हमारे पूरे प्रोग्राम में उसका कोई यूज नहीं होता। एक तरीके से उसको डेडलाइन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसे, डेडलाइन बोलते हैं। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ कमेंट हो गया। कमेंट करने के बाद मुझे यहाँ पर आपको कुछ बताना है लिंक्स के बारे में। किसके बारे में, लिंक के बारे में बताना है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं अपना ब्राउजर ओपन करूंगा, जो मेरी फाइल है। यहाँ मैं देखूंगा अपना टाइटल आ रहा है या नहीं आ रहा, और मैं अभी फिलहाल यहाँ से इस कमेंट को हटाऊंगा। कमेंट हटाने के लिए भी आपको बस केवल कंट्रोल और स्लैश को प्रेस करना होगा। कंट्रोल स्लैश प्रेस करने के बाद में आपको अपनी फाइल एक बार फिर से सेव कर देनी है। सेव करने के बाद वापस जाएं और अपने ब्राउजर को ओपन कराएं। जैसे मेरी ये फाइल है, फाइल को मैं ओपन विद करता हूँ फायरफॉक्स के साथ में। यहाँ देखिए अभी ये आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी ये लाइन क्या करना है, कमेंट करनी है। कमेंट करने के लिए बस कंट्रोल स्लैश प्रेस कीजिए और कंट्रोल एस से इसे सेव कर दीजिए। वापस अपने ब्राउजर पे जाइए और इसे रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ मेरा टाइटल तो लिंक एंड कमेंट आ रहा है, जो मैंने टाइटल दिया था, बट यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ आ रहा था वो नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने अपनी उस लाइन को कमेंट बना दिया। तो आइए और आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक हेडिंग है H1, मैं यहाँ पे एक हेडिंग यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, दिस इज
कंट्रोल एस से सेव कीजिए वापस अपने ब्राउजर पे और F5 से रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरी हेडिंग आ चुकी है। हेडिंग को लिखने के बाद अब मुझे ये चाहिए, मुझे इसके कलर फिल करना है इसके अंदर हेडिंग में। मुझे ये क्या है कलर यहाँ पे, ये ब्लैक कलर नहीं चाहिए भाई, मेरी तो मर्जी है, मैं दूसरा कलर लेना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहता मेरा है, मैं ऐसा कलर। तो इसको कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें स्टाइल टैग का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, स्टाइल टैग का। बेसिकली मैं आपको बता दूं स्टाइल टैग क्या करता है, एक तरीके से हमारी इनलाइन CSS होती है। क्या होती है, इनलाइन CSS। CSS का काम ही क्या होता है, CSS का काम अच्छी तरीके से, जैसे HTML तो हमारे एक तरीके से स्ट्रक्चर बना करके देती है, और जबकि CSS हमारी क्या करती है, CSS अच्छे से उसे डेकोरेट करने का काम करती है। तो हम यहाँ पे थोड़ी बहुत CSS यूज करने वाले हैं, उस CSS को हम इनलाइन CSS बोलते हैं। HTML के अंदर इसको इनलाइन CSS बोलते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग का यूज करते हैं। स्टाइल टैग यूज करने के बाद अगर मुझे यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ उसके बैकग्राउंड में, केवल उतनी ही लाइन का जितना एरिया वो कवर कर रही है, जितनी हमारी हेडिंग जितना एरिया कवर कर रही है, उतने एरिया में उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। कलर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं रेड देना चाहूँ तो रेड भी दे सकता हूँ। और इसे सेव करने के बाद वापस अपने ब्राउजर पे आए, ब्राउजर पे आने के बाद एक बार फिर से इसे रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में रेड कलर आ चुका है। कैसा कलर आ चुका है, रेड कलर आ चुका है। बट आप बोलेंगे भाई यहाँ बैकग्राउंड का तो कलर रेड हो गया, बट मुझे तो टेक्स्ट का कलर रेड चाहिए। तो टेक्स्ट का कलर रेड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे सी CSS के अंदर COLOR कलर टाइप करना है, और उसके अंदर आपको अपना कलर दे देना है। जैसे मुझे कलर देना है व्हाइट, आप चाहे तो सीधा डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, या फिर आप क्या है यहाँ पर कोड यूज कर सकते हैं कलर कोड। तो वापस आने के बाद आप फिर से रिफ्रेश दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका ये इस तरीके से हो चुका है, कैसे कलर इसमें फिल हो चुके हैं। अब भाई अब बात आती है किस चीज की, ये हो गया, ये भी हो गया। तो भाई अब हमें चाहिए कल लिंक करना, किस तरीके से अगर हमें अपनी फाइल को किसी दूसरी फाइल से लिंक करना है तो करते हैं, कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं ए, यानी कि एंकर टैग। क्या होता है ये, हमारा एक एंकर टैग होता है। इस एंकर टैग में मुझे क्या करना है, एक लिंक तैयार करना है, और मुझे एक लिंक चाहिए एक दूसरी फाइल का। जैसे मैंने अपनी पिछली फाइल बनाई थी, ये आपने पिछले वाले प्रोग्राम में देखा था, हमने इसमें क्या किया था, एक एलिमेंट नाम की, जिसमें हमने एलिमेंट वगैरह समझे हुए थे। तो उस वाली फाइल से मुझे इसे लिंक करना है। तो इसे लिंक करने के लिए मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट देना चाहें वो कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स यहाँ लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा। और इसके अंदर एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है इस एंकर टैग का, वो होता है HREF, हरिफ। क्या होता है, हरिफ। और इसमें उस फाइल का नाम देना होता है, किसका, उस फाइल का, एलिमेंट डॉट HTML। ये रही है फाइल पूरी, जो यहाँ नाम दे रखा है उसी फाइल का नाम दे दीजिए। उस फाइल का नाम देने के बाद आपको क्या करना है, एक बार इसे सेव करना है। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही इसको ओपन करेंगे अपने ब्राउजर में, तो यहाँ आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद जैसे कि आपको यहाँ एलिमेंट दिख रहा है, जैसे ही आप एलिमेंट को यहाँ पे क्लिक करोगे, आप दूसरी वाली फाइल पर, जो अपनी पुरानी वाली फाइल थी, वो ओपन हो जाएगी। ये एंकर टैग करता क्या है, एक तरीके से हाइपरलिंक तैयार करता है। जैसे आपने कभी MS वर्ड किया हो या विन वर्ड किया हो, तो उसमें हम एक हाइपरलिंक यूज करते हैं। वो हमें क्या करता है, एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए एक हाइपरलिंक देता है। क्या देता है, हाइपरलिंक देता है। वो हमें वहां से लिंक पर क्लिक करते ही हम दूसरी फाइल या दूसरी डॉक्यूमेंट फाइल पर हम जंप कर जाते हैं। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा,
तो मेरी यहाँ पे ये देखिए दूसरी फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये नंबर इस तरीके से चल रहा है। ये किससे चल रहा है भाई? ये चल रहा है मार्क्यूटैक से। तो मार्क्यूटैक वर्क कैसे करता है तो आइए देखते हैं। हम आते हैं अपनी इस वाली फाइल पर। पहले तो मैं अपनी उसी पुरानी वाली फाइल पर पहुंच गया और उसको मैंने वापस क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ वापस मैं लिंक एंड कमेंट इस पे आ गया अपनी वापस दूसरी बार पुरानी वाली फाइल पर। और यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ अंडरलाइन भी आ रही है। भाई मुझे तो अंडरलाइन नहीं, तो इस अंडरलाइन को हटाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं, एक हम इसमें यूज करेंगे अपनी वही लाइन सीएसएस को। तो वापस अपने फाइल पर आते हैं। फाइल पर आने के बाद मैं यहाँ स्टाइल ये दूंगा, यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे मैं करूंगा नन, क्या नन कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करता हूं तो यहाँ से ये अंडरलाइन है वो हट जाएगी। और पहले अपनी फाइल को सेव करते हैं, एक बार कंट्रोल एस दबा दें, वापस अपने ब्राउजर पे जाएं और इसको क्या करें एक बार रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ से जो अंडरलाइन थी, जो भी इसमें फॉर्मेटिंग अलग तरीके से की हो रही होगी वो यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर रखी है, नन कर रखी है। तो अब क्या करेंगे, आगे अपना प्रोग्राम देखेंगे। अब भी ये वर्क कर रहा है, देखिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं, वापस अपनी फाइल पे जाते हैं। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे चाहिए एक मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक मार्क्यू लिखूंगा, या पहले तो मैं एक हेडिंग बनाता हूँ या कुछ भी आप समझ लीजिए, क्या बनाऊं, एक टेक्स्ट लिखता हूँ, जो भी है टेक्स्ट लिखता हूँ मैं लॉरेम। ये लॉरेम आप यहाँ पर जितने लिख करके जितने वर्ड टाइप करना चाहते हैं उतने वर्ड यहाँ पे टाइप हो जाएंगे एंटर करने के बाद। ये काफी बहुत अच्छा है, बहुत यूजेबल है, कई बार आपने देखा होगा इसे। तो यहाँ यूज करते हैं मार्क्यू इस मार्क्यू के अंदर मैं इस टेक्स्ट को बंद कर दूंगा। अपने फाइल को सेव कर दें। याद रखें कि जब भी आप कुछ नया इसमें अपडेट करें, नया कुछ इम्प्लीमेंट करें, तो वापस अपने ब्राउजर पर जाने से पहले अपनी फाइल को एक बार सेव जरूर कर दें और इसे रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे होंगे हमारा यहाँ से ये टेक्स्ट निकलता हुआ आ रहा है और ये सीधा सीधा जाएगा और इसे स्क्रीन के उस पार चल रहा है। अभी इसका बिहेवियर क्या चल रहा है, स्क्रॉलिंग बिहेवियर चल रहा है। अभी इसके बिहेवियर में हमने कोई चेंज नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसका जो बिहेवियर होता है वो स्क्रॉल बिहेवियर होता है। अगर हमें इसका बिहेवियर चेंज करना है तो हमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, वो एट्रीब्यूट होता है इसका बिहेवियर। तो बिहेवियर चेंज करने के लिए एक बिहेवियर एट्रीब्यूट लगाएंगे इसका। बिहेवियर अल्टरनेट और अपनी फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वापस अपने ब्राउजर पे जाएं और इसे रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद ये इधर जाएगा, इधर से टकराने के बाद फिर वापस इधर आएगा और फिर टकराएगा, फिर वापस जाएगा। इसे खेलने में बड़ा मजा आएगा, देखिए इस तरीके से जा रहा है, तो है ना काफी इंटरेस्टिंग चीज। अगर आप इसके टेक्स्ट स्टाइल वगैरह जो भी आप इसकी फॉर्मेटिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल टैग में जाकर के सीएसएस से आराम से आप चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट चेंज वगैरह जो भी है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मुझे यहाँ क्या चाहिए, मैं यहाँ आता हूँ, स्टाइल टैग यूज करता हूँ, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज मुझे बढ़ाना है इसका, 20 PT करना है। फाइल को सेव करते हैं कंट्रोल एस से और इसे रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा बढ़ गया है। अगर इसका टेक्स्ट थोड़ा बढ़ जाने के बाद में क्या है, ये यहाँ पर बार बार भी जा रहा है, अंदर जा रहा है,
तो हमारा टैक्स थोड़ा बड़ा है, हमें क्या करना पड़ेगा, अपना टैक्स को छोटा सा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे एक बी आर टैग यूज कर लेता हूँ। बी आर टैग क्या करता है, हमारा हमारी लाइन को ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, ब्रेक कर देता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से मेरी लाइन ब्रेक हो गई है। लाइन ब्रेक होने के बाद ये वापस इधर आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। कई सारी वेबसाइट्स में आपने ये देखा होगा, जैसा कि आपने देखा होगा सरकारी सरकारी मैं आपको दिखाता हूँ ये किस वाली वेबसाइट में है, sarkarirezult.com। तो यहाँ पर मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे ये लाइन है मार्क्यू टैग में लगी हुई है, जो कि इनका बिहेवियर अल्टरनेटिव सेट किया गया है, देख रहे होंगे आप। तो इस तरीके की और भी कई सारी वेबसाइट हैं जिन पर आप इस तरीके के सारे इफेक्ट देख सकते हैं। तो आइए वापस अपने कोड पर चलते हैं। अब ये सारी चीजें इनलाइन सीएसएस को मैं एक बार अपनी किसी इमेज पर लगाना चाहूंगा, तो इमेज पर लगाने के लिए सबसे पहले मुझे IMG टैग का यूज करना पड़ेगा। उसका एक एट्रीब्यूट होता है SRC, और यहाँ मुझे क्या करना होता है, अपनी फाइल का नाम, आइकन, ये मेरी डेस्कटॉप पर सेव है। अब इसे जैसे ही मैं कंट्रोल एस करके सेव करूंगा, सेव करने के बाद वापस अपने ब्राउजर पे आऊंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे मेरी इमेज भी एक मिल जाएगी। ये मेरी इमेज मुझे मिल गई है। अब मैं ये चाहता हूँ, इस पर मैं इनलाइन सीएसएस को लगाना चाहता हूँ, इसमें इसकी विड्थ हाइट वगैरह, और जो आपको इसके लिए सेट करना है, जो भी आप देना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल स्टाइल टैग यूज करके मैं इसकी विड्थ विड्थ विद इसकी रखते हैं, विद में रखता हूं इसकी 150 पिक्सल रखूंगा, और इसकी हाइट आप रख सकते हैं, इसकी हाइट भी मैं 150 पिक्सल ही रखूंगा। और इसे सेव करने के बाद वापस अपने ब्राउजर पे जाएं, ब्राउजर पे इसे रिफ्रेश करें, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी विद और हाइट हमने जितनी दी थी उतनी यहाँ पर हो चुकी है। इसकी विद हाइट विद हो चुकी है वो 150 पिक्सल, एंड हाइट भी इसकी 150 पिक्सल हो चुकी है। अगर आप इसमें बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो देखना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरी एक PNG फॉर्मेट में है, अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर राइट, एक मिनट, शायद स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स है। मैं यहां से इसे कॉपी करके यहां लगा दूंगा, कंट्रोल से सेव। तो देख सकते हैं यहां पर इसके बैकग्राउंड में भी कलरफिल हो चुका है। अब आपको ये भी चाहते हैं कि भाई ये भी मार्क्यू टैग में लगे, तो मार्क्यू टैग आप इस पे भी लगा सकते हैं, और सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप इसे सेंटर टैग के अंदर भी बंद कर सकते हैं। जैसे मुझे ये क्या करना है, एक सेंटर टैग के अंदर बंद करनी है, तो सेंटर टैग के अंदर इसे बंद कर दीजिए बस। कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए, वापस अपने ब्राउजर पे जाइए, और देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका ये सेंटर में आ चुकी है। आप
ये भी चाहते हैं कि यहां से ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, इसके बीच में थोड़ा गैप दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस यहां पर एक मार्जिन टॉप ये दे दीजिए। अब कितना मार्जिन आप देना चाहते हैं, जैसे मुझे 50 पिक्सल देना है तो मैं 50 पिक्सल यहाँ पे दे दूंगा, और इसे सेव करने के बाद वापस जाएं तो आप देख सकते हैं जितना मैंने यहाँ से 50% पिक्सल सॉरी 50 पिक्सल मार्जिन यहाँ से इसने छोड़ दिया है। साथ ही साथ मैं आपको एक टैग के बारे में यहाँ पे एचआर टैग का मतलब वैसे तो शायद आपको बता ही चुका हूं मैं, एचआर टैग का मतलब एक हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल रो क्या करेगी है कि यहाँ पर एक हमें लाइन बना करके दे देगी जो कि हॉरिजॉन्टल रो होती है। तो देखते हैं एचआर केवल टैग लगाया और यहाँ पे वापस अपने ब्राउजर पे आए और इसे जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं एक लाइन आ चुकी है। ये लाइन हमें हॉरिजॉन्टल रो होती है, क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल रो होती है। इसके साथ आप इसमें स्टाइल टैग देकर इसकी जो विद हाइट वगैरह इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो वो इसको कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी विद 50% दूंगा तो ये यहाँ तक आ जाएगी, और अगर आप इसमें कुछ कलर देना चाहते हैं तो कलर भी यहां से इसमें फिल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहां से इसमें कलर भी फिल हो चुका है, और इसकी हाइट अगर आपको बढ़ानी है तो हाइट भी आप चाहें तो यहां से बढ़ा सकते हैं। हाइट मुझे इसकी 50 पिक्सल करनी है, तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी 50 पिक्सल हो चुकी है। अब आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर बैकग्राउंड का कलर भी, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसके अंदर बैकग्राउंड कलर फिल नहीं हुआ है, अब अगर आप इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी फिल कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर फिल कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड कलर अगर आपको इसके अंदर जो भी रेड करना है, ब्लू करना है, वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर भी फिल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आपकी इन लाइक और कमेंट से हमें और आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, देखते रहिए वीके लर्निंग TC40।